नमस्कार, स्वागत है आपका। आचार्य विक्रमादित्य मैं आपके साथ हूँ और हमारा चैनल है आचार्य वाणी। इस आचार्य वाणी के माध्यम से हम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं और आपको आपके ग्रहों के अनुसार से कैसा समय चल रहा है उसके बारे में अवगत कराते रहते हैं। तो आज का विषय है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए सितंबर का अंतिम भाग कैसा रहेगा और उसमें क्या कुछ होने के योग चल रहे हैं, अच्छे समझ लेना चाहिए। देखिए कन्या राशि वालों, इस वक्त आपके ग्रह विशेष तौर पर कई प्रकार के परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य अभी भी परिवर्तित हो चुके हैं, मंगल महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल आपके लग्न में चल रहे हैं, रब राशि में चल रहे हैं, ऐसे में उनके स्थिति में परिवर्तन होने के कारण सूर्य के साथ आने से वो अस्त होने जा रहे हैं। और बड़ा महत्वपूर्ण है इस बार का सूर्य जो मंगल का अस्त होना, करीब करीब 4 महीने के लिए मंगल अस्त होने जा रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पर कई राशियों में परिवर्तन होगा, उसका महत्वपूर्ण प्रभाव आपके ऊपर होगा। और ऐसे में मंगल जो आपके स्वामी के पुरुष आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, और तृतीय भाव विशेष तौर पर मंगल का कारक भाव माना जाता है कई दृष्टिकोण से, और वहाँ के स्वामी हैं और वहाँ पुरुषार्थ का स्वामी भाव है। ऐसे में क्या कुछ होने के योग हैं आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, उसके अनुसार से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इन सितंबर के अंतिम भागों में कई मुहूर्त का सुंदर योग बन रहा है, उन सब चीज़ों में आप सुंदर तरीके से समझ कर लाभ ले सकते हैं। इन सब तिथियों को अच्छे से समझने कैसा रहेगा समय आपके लिए और उसके अनुसार से अपनी व्यवस्था करने का प्रयास कीजिए तो सुंदर तरीके से समय को आप अपने अनुकूल कर सकते हैं। सिलसिलेवार तरीके से हम समझ लेते हैं कि कैसा रहेगा सितंबर का अंतिम भाग हमारे लिए। 21 सितंबर की बात करें तो उस दिन ग्रहयोग के अनुसार से जो समझ लीजिए, षष्ठी तिथि विद्यमान है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गुरुवार का अवसर है। वृश्चिक राशि में चल रहे हैं आपके लिए चंद्रमा, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो है वो शीर्ण हो जाते हैं, और ऐसे में पुरुषार्थ में थोड़ी कमी लाने के योग बना सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करें, अपने आप को थोड़ा पुरुषार्थी बनाने का प्रयास करें, अपने समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। बहुत सारा समय आपका व्यर्थ के कामों में बर्बाद हो सकता है, कुछ स्वार्थी लोग प्रपंच रचाकर आपको अपने कार्य से हटाकर अपने कार्यों में व्यवस्था कर सकते हैं, आपका टाइम बर्बाद कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए आप यदि काम कर लेंगे तो सुंदर रहेगा आपके लिए। सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन करें, उन्हें अर्घ दें, षष्ठी है, कल्याण के योग बनेंगे, अनिष्ट दूर होगा और आपका समय सदुपयोग करने का आपको रास्ता प्राप्त हो जाएगा। आलस्य मत रहिएगा, इस बात का ध्यान रखें, मन को आश्वस्त रखें। वृश्चिक में आके चंद्रमा थोड़े शीर्ण हो जाते हैं, मन में थोड़ा हिलाडुला उपस्थित कर देते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है इस दिन, सुबह से लेकर दोपहर के 3:00 करीब करीब 34 मिनट तक रहेगा। नया कार्य आरंभ करने के लिए शुभ है समय, तो लाभ लीजिए उसका। 22 तारीख की हम बात करें तो उस दिन ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण योग है और उस दिन मुहूर्त भी बड़ा सुंदर है। महालक्ष्मी, इस संसार में लक्ष्मी को कहा गया है कि भगवान के बाद कोई दूसरा स्थान है परमात्मा के बाद तो लक्ष्मी का ही है, और उर्दू में तो कहा जाता है कि धन को नायब खुदा कहा जाता है, यानी खुदा के बाद नेक्स्ट जिसका स्टेप है वो धन है। तो इस बात का ध्यान रखें कि महालक्ष्मी को प्रसन्न कैसे किया जाए, और सब लोग यथाउचित भाव से महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करते ही हैं, और ऐसे में ये दिन आरंभ हो रहे हैं महालक्ष्मी व्रत के। कई लोग थोड़ी भ्रांति इसमें भी उत्पन्न कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि 23 तारीख से आरंभ होंगे। देखिए शास्त्र कहता है कि चंद्र व्यापनी अष्टमी जिस दिन व्याप्त व विद्यमान हो उस दिन महालक्ष्मी के व्रत आरंभ करने चाहिए। तो अष्टमी रात्रि में शाम के समय चंद्र व्यापनी कब है, वो 22 तारीख को ही है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमने सुंदर तरीके से व्यवस्था समझकर आपके समक्ष ये रहस्य उपस्थित किया है, तो इस दिन से महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो जाएंगे। ये 16 दिवस ऐसे चमत्कारी हैं कि जो भगवती के शास्त्रोक्त अनुष्ठान को इसमें कर लेते हैं, मंत्र का जप करते हुए, यज्ञ करते हुए और साथ साथ पूर्ण विधि का पालन करते हुए यदि कर ली जाए तो भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्त हो जाती है। आदि शंकराचार्य की कथा आपने सुनी होगी, आदि शंकराचार्य जी महाराज जब भिक्षा मांगने कहीं गए तो उसके व्यवस्थित और भिक्षुणी के घर में कुछ भी नहीं था, बहुत गरीब घर था, लेकिन फिर भी जब ब्राह्मण याचक द्वार पर आया तो उसने अपने घर में जाके देखा, कहा जाता है कि कुछ भी नहीं था, केवल एक सूखा हुआ आंवला मिल गया, और उस स्त्री ने वही आंवला लेकर भगवान शंकराचार्य के झोली में डाल दिया, उनके आंसू निकल आए और उन्होंने कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया। कहा जाता है कि उस आंवले के बराबर वृष्टि जो हुई वो स्वर्ण की वृष्टि हुई, ये मंत्र का चमत्कार है कनक धारा स्तोत्र। हम करते नहीं श्रद्धा के अनुसार से तो महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के सुंदर योग हैं। तो मैं आपको समझाऊं कि शास्त्र में इतने सुंदर प्रकार से विधि बनाई गई है, उसके लिए आवश्यकता है उस विश्वास की, श्रद्धा की और सही विधि की। हम आज केवल प्रपंच रचा देते हैं और कहानियां सुना देते हैं और उस व्यवस्था को कर नहीं पाते हैं। इन 16 दिवसों में
महर्षि भृगु के द्वारा बनाए गए जो 16 मंत्र हैं, जब उनको शाप मिला महालक्ष्मी से और उन्होंने वो 16 मंत्र का सृजन किया और कहा महालक्ष्मी जो भी इन मंत्रों का जप करेगा मेरे क्या आपको उनके पास भी जाना पड़ेगा। ये 16 मंत्रों को जागृत करने का अवसर है, श्री सूक्त को सिद्ध कर उनके मंत्र से अभिषेक, उनके मंत्र से यज्ञ और खासतौर पर जप करने का अवसर है। विधि कई प्रकार की है उसकी, लोम विलोम और अनुस्वार संपुट अनेक प्रकार से लगाकर ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का संपुट लगाकर श्री सूक्त का पाठ यदि आपकी राशि के अनुसार से किया जाए, ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदमावा ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार से हर मंत्र के आगे संपुट लगाकर यदि हर 16 मंत्रों का नित्य प्रति यज्ञ करते हुए और विशेष तौर पर बिलपत्र का की द्वारा आहुति दी जाए, चंदन के द्वारा आहुति दी जाए, घी के द्वारा आहुति दी जाए, कमलगट्टों के द्वारा आहुति, विधि है उसकी पूर्ण विधि, यदि उस प्रकार से किया जाए तो महालक्ष्मी की कृपा अद्भुत पड़ने के इन 16 दिवस में चमत्कार उपस्थित करने के योग बनते हैं। तो आपको भी इस विधि को सही से समझकर करना चाहिए। हम करते क्या हैं, हमने कभी टीवी में सुन लिया, कुछ कथाएँ सुन ली और केवल पाठ कर लिया और गांठ बांध बांध के पंडित जी ने जो माला दे दी वो धारण कर ली, फिर कहाँ वो विधि हुई। केवल उसको श्रद्धा के रूप में, शास्त्र के रूप में जो वर्णित कथा है उस विधान जो है उसके द्वारा अनुष्ठान यदि किया जाए, तो हमने विवेकानंद योग आश्रम में सुंदर व्यवस्था करी है कि सुंदर तरीके से उस अनुष्ठान की व्यवस्था बनाई गई, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और पूरी विधि जानने के लिए फोन पर संपर्क साध सकते हैं। तो 22 तारीख के ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि समय आपका परिवर्तन की तरफ गया है, अनुकूल है और उसका लाभ आपको प्राप्त करने के सुंदर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। समय बिल्कुल अनुकूल है, आप कोशिश करें, पूर्ण विश्वास रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा और उसका लाभ लेने का आप प्रयास करना चाहिए। इस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी जो करीब करीब 1:54 से आरंभ होगी, तो उसके बाद नया कार्य आरंभ ना करें, रात्रि तक विद्यमान रहेगी, तो नए प्रोजेक्ट नए काम में यदि हाथ डालना है तो उससे पहले पहले ही डाल लें, दोपहर को 1:54 से पहले पहले ही आरंभ कर लें, उसके बाद उसमें दोष लग सकता है, फिर उसमें विघ्न उपस्थित हो पाएगा आगे। 23 तारीख की हम बात करें तो उस दिन अष्टमी तिथि है, शनिवार का अवसर है, राधा अष्टमी का अवसर रहेगा, तो ऐसे में ग्रह गणना आपके लिए अनुकूल दिखा रही है आगे बढ़ने के उपरांत, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। ऐसे में छोटी कन्याओं का पूजन करें, छोटी कन्याओं को वस्त्र दें, मिठाई उनको बांटें, ये सब उपाय कर आप कष्टों को दूर कर सकते हैं। 24 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, नवमी तिथि है, रविवार का अवसर है और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जाएगा, ऐसे में परिवर्तन आपके लिए अनुकूल रहेगा, समय का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। ये ग्रह आपके लिए विशेष तौर पर ग्रह का परिवर्तन जो दिखा रहा है थोड़ा सा आपको यात्रा की तरफ ले जा सकता है, आगे पीछे ध्यान रखते हुए कार्य करें, समय को बर्बाद ना करें, समय आपके लिए अनुकूल है, रुक कर एक जगह स्थिर होकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए, समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। एक बात और ध्यान रखें, इस दिन मंगल का परिवर्तन का योग बन रहा है, आपके मंगल विशेष तौर पर पुरुषार्थ के स्वामी हैं और वो अस्त होने जा रहे हैं और 4 महीने तक अस्त रहेंगे, ऐसे में मंगल जो आपके लग्न में चल रहे हैं आपको बहुत सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है, बुद्धिमानी के साथ काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है, नहीं तो कहीं आप फंस ना जाए, पुरुषार्थ कहीं आपको धोखा ना दे दे, आपका हिम्मत कहीं टूट ना जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी का विशेष उपाय, हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार से, आप समझ लीजिएगा हमारे चैनल पर जाकर आचार्यवाणी पर इस वीडियो को देख लीजिएगा, अभी कुछ दिन में उपस्थित हो जाएगा वो वीडियो और वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से खास उपाय इन 4 महीनों में आपको करने हैं, नहीं तो मंगल कहीं ना कहीं आपको बड़ा धोखा दे सकता है, आपका पुरुषार्थ आपको कहीं धोखा दे सकता है, सावधानी होते हुए काम करें। आपके ग्रह सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान रहेगा, सुंदर तरीके से दोपहर के बाद जो मुहूर्त रहेगा 1:14 के बाद नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा रहेगा। बात कर ले 25 तारीख की, दशमी और एकादशी का सुंदर योग है, इस दिन एकादशी क्षय हो गई है, दशमी सुबह सुबह कुछ देर के लिए विद्यमान रहेगी, अगले दिन जो उदयातिथि रहेगी द्वादशी की रहेगी, तो एकादशी क्षय, पद्म एकादशी इसका नाम है, भगवान विष्णु का विशेष पूजन करते हुए पद्म के पुष्प भगवान को अर्पित करने चाहिए और उनकी कृपा प्राप्ति करने के योग बनते हैं। आपके ग्रह अनुकूल है आपके लिए, अवसर आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, ध्यान रखिएगा, बुद्धि कहीं आपको लाभ का रास्ता दिखा रही है, आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही है, लेकिन आप ऐसा रास्ता चुन सकते हैं जिसमें थोड़े खर्चे बियॉन्ड होने के योग दिखाई देते हैं, बेकार के खर्चे आपके पल्ले ना पड़े, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करने की ज़रूरत है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। भगवान विष्णु का पूजन करें, उनका अभिषेक करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकते हैं। बात कर लेते हैं 26 तारीख सितंबर की बात की जाए तो ग्रहों का योग आप समझ लें, द्वादशी तिथि विद्यमान है उस दिन, मंगलवार का अवसर है और ग्रहों का योग जो बन रहा है वो आपके लिए थोड़े खर्चे परेशान कर सकते हैं, आपको आपकी बुद्धि ऐसी तरफ चल सकती है कि जहां अननेसेसरी जो काम नहीं है जरूरत उसमें भी आप लिप्त हो सकते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें, ऐसे काम चुनें कि जहां पर थोड़े खर्च कम हो, अपनी सीमा को पहचानते हुए कार्य, बड़ी व्यवस्था को देखते हुए कार्य करें, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। वामन देव की जयंती है उस दिन, भगवान वामन का अवतरण हुआ था उस दिन, जिन्होंने 3 पग में समस्त धरा को नाप लिया था और महाराज बलि का उद्धार किया था।
तो ऐसे में सुंदर आप समझें आप कि ऐसे में ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए, छोटे बटुक ब्राह्मणों को का पूजन करके उनको वस्त्र इत्यादि का दान करना चाहिए, उससे कल्याण के योग बनते हैं। 27 तारीख की ग्रहगणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, बुद्ध महाराज बुद्ध का वार का योग है और ऐसे में प्रदोष व्रत का सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में ग्रह थोड़े भारी हैं आपके लिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। आपके परस्पर जो विरोधी हैं वो आपके थोड़े सक्रिय हो सकते हैं, उन पर पूरी तरह ध्यान प्रशस्त करते हुए कार्य करना चाहिए। वो आपके खिलाफ कुछ साजिश रच सकते हैं तो समस्त ध्यान रखते, सबसे बड़ी बात मौसम बदल रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें और स्वास्थ्य के निमित्त सबसे अच्छा ये रहेगा कि भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। आज प्रदोष है, विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं 27 तारीख की प्रदोष व्रत है, बुध प्रदोष है, ऐसे में शाम के समय गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें तो सब कल्याण के योग बनेंगे, बुद्ध शुद्ध हो जाएगा, कल्याण के योग बन जाएंगे। ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभव भू ओम सहजुं हौं ओम। ये मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, इसका अभी जप करते हुए यदि भगवान का अभिषेक कर लें तो सब प्रकार से प्रथम सुख निरोगी काया, तो इस बात का ध्यान रखें कि सुख निरोगी काया ही है लेकिन स्वास्थ्य पे भारी पड़ने के योग दिखाई देते हैं। आगे 2-3 दिन ध्यान रखते हुए कार्य करें। रवि योग है सुबह सुबह, नया कार्य आरंभ करना हो तो उसका लाभ ले सकते हैं। सुबह 7:10 से लेकर शाम के करीब करीब 6:56 तक योग रहेगा, बीच में राहु काल आएगा उससे बच लीजिएगा। 28 तारीख को चतुर्दशी का योग भी है और साथ साथ सत्यनारायण व्रत भी उस दिन रहेगा। ग्रह योग आपके लिए विशेष तौर पर थोड़े भारी हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, अननेसेसरी के प्रपंच में न फंसे इस बात का ध्यान रखें। ग्रह योग दिखा रहे हैं कि आपके लिए बहुत सारे लोग आपके लिए षड्यंत्र रचने के योग बना रहे हैं, आपको दूध से मक्खी जैसे बाहर निकाल के कर दी जाती है, आपको अपने हिस्से से वंचित कर सकते हैं, बेकार के जुर्माने आपके जिम्मे डाल सकते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको, तो अपने आप को जबरदस्ती बीच में फंसाने का प्रयास कीजिए, कहीं आपका कोई हिस्सा ना ले जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सब चीज़ को ठीक करने के लिए भगवान अनंत देव का पूजन करें, अनंत चतुर्दशी है, शुभ कार्य करने का प्रयास करें। मन थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, गलत तरफ जा सकता है, ध्यान रखिएगा शनि और मंगल की युति आपके षष्ठ भाव में हो रही है इस समय में, और ऐसे में मंगल और शनि की युति षष्ठ भाव में होती है तो व्यभिचार करने की तरफ प्रवृत्ति हो जाती है, गलत तरफ कार्य करने की प्रवृत्ति हो जाती है, ध्यान रखते हुए कार्य करने की। अनंत चतुर्दशी है इस दिन, शुभ करोगे सोचोगे, शुभ करने का सोचोगे भी तो शुभ फल प्राप्त होगा, अशुभ करने करोगे या अशुभ करने का सोचोगे भी मनसा वाचा कर्मणा तो फिर उसका अनंत गुना अशुभ फल प्राप्त हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, उनके निमित्त पूजन पाठ कथा का श्रवण करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। 29 तारीख की ग्रहगणना विशेष तौर पर दिखा रही है पूर्णिमा, उस दिन श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं तो अपने पितरों के निमित्त पूजन करें, पुत्रों के निमित्त दान पुण्य करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रह आपके लिए परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, शुभ योग बन रहा है आपके लिए, आपके मन में विचार पॉजिटिव आएंगे और वो आपको लाभ देने की विशेष तौर पर व्यवस्था बना सकते हैं, सही जगह सोच आपकी सही हो जाएगी, सही दिशा में आपकी सोच रहेगी और उसका लाभ आपको मिल सकता है, आपको उसी दिशा में काम करने की ज़रूरत है। जो विचार आ रहा है उसको अच्छे से समझकर फिर कार्य करेंगे, किसी उपयुक्त व्यक्ति की राय लेकर काम करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। पूर्णिमा के दिन जिनका गमन हुआ उनके निमित्त श्राद्ध करने की सुंदर तिथि है, उसका लाभ ले सकते हैं। उनके निमित्त तर्पण करना चाहिए, गायत्री जप करना चाहिए, उनके निमित्त गायत्री वो अपेक्षा करते हैं कि आपकी संतति, जो हमारी संतति है वो हमारा निमित्त, फिर कहते हैं हम पितृदोष लग गया, पितृदोष नहीं पितृऋण चढ़ जाता है हमारे सिर पर, उससे निवृत्ति के लिए यही कार्य किया जाता है। पितृ अपेक्षा क्या रखते हैं आपके लिए, वो आप किसी भी अच्छे किसी व्यक्ति के पास जाते हैं वो कहता है जी पितृ ऋण है इतने खर्चे होंगे, अरे खर्चे की ज़रूरत नहीं है, खर्चे से आपके पितृ ऋण नहीं निकलेगा। मुझे वो बताइए कि आपने एक दिन हम एक कार्यक्रम टीवी पे कर रहे थे और उस दिन मेरा लाइव प्रश्न आया मैं हमारे पास कि महाराज जरा मुझे बताइए कि मेरी जो हमारे घर में कोई है वो बचेंगी जिंदा रहेंगी मरेंगी। मैंने कहा भाई क्या हुआ ऐसा, क्यों पूछ रहा है, कोई जायदाद का कारण है? बोला नहीं, हमारे गांव में परंपरा है कि हमारे यहाँ कोई व्यक्ति का शरीर पूरा हो जाता है तो पूरे गांव को खाना कराना होता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे उधार लेकर भोजन कराना पड़ेगा, लोगों को पूरे गांव को नियमित करना पड़ेगा और मैं बर्बाद हो जाऊँगा। ये शास्त्र में तो नहीं वर्णित तरीका कि आप उधार लेकर, आप बताइए कि आपको अगर किसी का आप श्राद्ध कर रहे हैं, उधार पैसे लेकर श्राद्ध कर रहे हैं तो श्राद्ध में तो वर्णित नहीं है। अगर आप उधार ले रहे हैं तो आपके पितर बेचारे और परेशान होंगे, आपकी परेशानी देखकर तो उनकी और परेशानी बढ़ जाएगी ना। तो हमारे शास्त्र में तो बड़ी सुंदर तरीका बताया गया है कि आप श्रद्धा का समर्पण है, श्रद्धा धन का समर्पण थोड़ी है, धनार्पण थोड़ी किया गया, श्रद्धा श्राद्ध है, श्रद्धा का समर्पण है। तो श्रद्धा का समर्पण कैसे किया जाता है, थोड़ा जल, जल तो अभी यथेच मात्रा में है पृथ्वी पर, तो जल लेकर इस पितृ तीर्थ से उस पितृ का ध्यान करते हुए यदि स्त्री है तो तस्य ही सुधा
पुरुष है तो तस्मै सुधा, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप उनके लिए तर्पण कर दें। शास्त्र में विधि दी गई है, पूरी विधि को समझ के उसको कर सकते हैं। ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, देव तर्पण सब प्रकार से उसमें बताया गया है, अवश्य करना चाहिए। इतना सा थोड़ा जल में तेल डाल दीजिए पितरों के निमित्त, यदि उनके निमित्त देवताओं के निमित्त करें तो जौ डाल के कर दीजिए, और इस प्रकार से संपूर्ण विधि का आप पालन करने का प्रयास करें तो सुंदर तरीके से पितृ ऋण से भी निवृत्त हो जाएंगे। हमने केवल ये मान लिया है कि नया चीज़ ना लाएं, नई गाड़ी ना लाएं, नए घोड़ा ना लाएं, नए वस्त्र ना लाएं, इससे तो कहाँ पितृ, वो तो प्रसन्न होंगे। आप घर में नई गाड़ी लाएंगे, नया घोड़ा लाएंगे तो विलासिता मत जाएं, गलत तरह वो मतलब आप ये ना करें कि विलासिता की तरफ चले जाएं, तो उसकी समस्या है। तो इसलिए वो दाढ़ी नाक बनाने की व्यवस्था बना दी गई, लोगों ने कुछ परंपरा बना दी कि मैं तो दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। अरे वो आपकी श्रद्धा हो सकती है कि वो केवल विलासिता की तरफ व्यक्ति ना जाए, उनके निमित्त तर्पण इत्यादि पूजन इत्यादि करे, संकल्पबद्ध होकर कार्य करे, संयम से रहे। इसलिए वो कार्य बनाया गया, संयमित रहते हुए कार्य करेंगे तो सुंदर रहेगा, लाभ लेगा। तो शास्त्र में तो बड़े सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग भ्रांति में फंस जाते हैं। तो हमने सुंदर व्यवस्था विवेकानंद योगाश्रम में करी है कि जो लोग अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा इत्यादि श्राद्ध करना चाहें, घर पर नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो घर में करना चाहिए या तीर्थ स्थल पर जाकर करना चाहिए। उसके लिए सुंदर यज्ञ की व्यवस्था है, जो रहेगा यज्ञ पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ, तर्पण, ब्राह्मण भोजन सबकी व्यवस्था है। आप उसकी विधि को जानने के लिए आश्रम में फ़ोन कर सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं उसे जान सकते हैं विधि। 30 तारीख को प्रतिपदा का श्राद्ध और द्वितीया का श्राद्ध रहेगा, क्योंकि मध्यान्ह के समय में जो प्रतिपदा के दिन सावन 30 तारीख को प्रतिपदा भी आ जाएगी और साथ साथ मध्यान्ह के समय द्वितीया का आगमन हो जाएगा। तो हमारे मत के अनुसार से उस दिन प्रतिपदा और द्वितीया दोनों का श्राद्ध रहेगा, तो जिनका गमन प्रतिपदा और द्वितीया को हुआ है उस दिन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन द्वितीया तिथि जब उदय तिथि विद्यमान रहेगी तो मध्यान्ह से पहले समाप्त हो जाएगी। श्राद्धों में मध्यान्ह व्यापनी तिथि ली जानी चाहिए। कई लोगों ने कुछ अपने ज्ञान के अनुसार से इस बात को रख दिया है कि हम पूर्णिमा के दिन ही प्रतिपदा का श्राद्ध होना चाहिए। हमारी गणना के अनुसार से वो चीज़ नहीं समझ में आती है किस प्रकार से उन्होंने कहा है, लेकिन दिल्ली के अनुसार पंचांग के अनुसार से देखें तो ये विधि सही निकलती है कि 30 तारीख को प्रतिपदा और द्वितीया का श्राद्ध रहेगा और 29 तारीख को पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा। हर रोज़ हम आपको बताएंगे इसी प्रकार से कि कैसा कैसा कौन सी तिथि में कब श्राद्ध पड़ने वाला है, अब उसके अनुसार से आप लाभ लेकर कार्य कर सकते हैं। तो ग्रह योग आपके लिए हम बात कर लें 30 तारीख को, वो आपके लिए परिवर्तन का योग बनाएंगे, अच्छा रहेगा समय आपके लिए। आपकी बुद्धि के अनुसार से कार्य करने से, अपने विचार के अनुसार से कार्य करने से बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं, इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। और विशेष ये बात रहेगी कि इन दिनों आश्रम पे श्राद्ध की सुंदर व्यवस्था की गई है, अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध इत्यादि करने के लिए आप सुंदर विधि जान सकते हैं। साथ साथ महालक्ष्मी यज्ञ भी चल रहा है, आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं महालक्ष्मी के यज्ञ का पूर्ण लाभ लेने के लिए। और ये महालक्ष्मी के व्रत बड़े साफ चमत्कारी मंत्र हैं, 16 दिन का अनुष्ठान है, वर्ष में एक बार आता है और जो लोग करते हैं उन पर महालक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, पूरी विधि जाने जुड़े। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम है, दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से यह आश्रम बना हुआ है, हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं, रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है, नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर, आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं, बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योग आश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है, भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योग आश्रम से जुड़े समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।